The lid is off a medical scam in Madhya Pradesh. It has emerged that some medicines supplied to many government hospitals in the state may have been substandard. The scam exploded after doctors of a government hospital in Indore found drugs given to patients were not having the desired effect. The hospital dean got the medicines tested in a lab. The results were alarming. A large batch of medicines, including life-saving drugs and antibiotics, were substandard. Hospital authorities alerted the Madhya Pradesh Public Health Service Corporation, which stopped the distribution of these medicines and recalled the medicines which had already been distributed. The MP Public Health Service Corporation is the nodal agency for supplying medicines to government hospitals, primary and community health centers, and government medical colleges in the state. मरीजों की जान को एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। जब उन्हीं दवाइयों में गड़बड़ी निकल के सामने आई तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत सभी सरकारी अस्पतालों के जो स्टाफ जो हेड हैं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों के जो डीन हैं, सभी CMHO को राज्य के, उन सभी को पत्र भेजा गया कि जल्द से जल्द जो बैच नंबर अमानक पाए गए हैं, जो दवाइयां अमानक पाई गई हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। After Indore, cases of substandard medicines were reported from Devas, Dhar, Betul and Morena. The state health ministry has sought a detailed report from the authorities. अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट हमने बुलाई है, लेकिन प्राइमर फेसाई जब ये मालूम पड़ा कि अमानक दवाइयां इस प्रकार से सप्लाई हुई हैं, जिसको जब टेस्ट में लैब कराया गया तो अमानक पाई गई हैं, तो तत्काल उस पर रोक लग गई है। The Congress is alleging corruption in the entire matter. बहुत गंभीर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं जानता हूँ कि जिन दवाइयों को अमानक बताया गया है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी बात हो रही है इसमें, और इसमें मुख्यमंत्री जी भी घेरे में आते हैं, मंत्री जी भी घेरे में आते हैं। मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैव रिटन टू चीफ मिनिस्टर मोहन यादव डिमांडिंग अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। नीति आयोग, अगर आप भारत की बात करें तो उसने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लाचार है और हम वैसे ही इस समय जो स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से शासकीय अस्पतालों में अगर इस प्रकार की दवाइयां दी जाएंगी तो जनता का भरोसा हम पर से कम होगा। डॉक्टर्स क्लेम नॉट ओनली लाइफ सेविंग मेडिसिंस, इवन कैल्शियम एंड विटामिन टैबलेट्स एंड इवन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स और ORS गिवन टू चिल्ड्रन were found to be substandard in the tests.